हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पांचवें चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चालू रहेगी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जो हजारीबाग शहर के पेलावल क्षेत्र से है, जहां पर लंबी संख्या में मतदाताएं लगे हुए हैं वोट डालने के लिए। कुछ महिला मतदाताएं हैं जिनसे बातचीत करेंगे, मतदाताओं से आखिर क्या है उनकी रुचि। कुछ युवा मतदाता भी हैं। क्या है यहाँ पे व्यवस्था मतदान का, आप भी वोट डालने जा रहे हैं? मतदान व्यवस्था तो ठीक है, धूप में हम लोग धूप में खड़े हैं, क्या व्यवस्था होगी। हम लोग अपना वोट डालना है और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। घर से खाना उना खा के आए हैं? नहीं, खाना उना खा के नहीं आए। मतलब पहले मतदान फिर जलपान? जी। ये महिलाओं का लाइन है, लंबी कतार है, पेलावल के क्षेत्र का यह बूथ है। लगता है पहली बार वोट डालने आए हैं? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। क्या लगता है इस चुनाव में जो लोकसभा महापर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, कैसे देखते हैं आप इस पर्व को? किस आधार पर आप एक महिला है वोट कर रहे हैं? देखते हैं कि क्या करता है सरकार इस बार फिर से। 10 साल मोदी सरकार को आपने देखा है, 70 साल तक कांग्रेस को देखे हैं। क्या लगता है, यहाँ पे 2 प्रत्याशी हैं मुख्य रूप से, बीजेपी और कांग्रेस? बीजेपी। मोदी जी को ही वोट देना है। अब क्या चाहिए? क्या क्या दिए हैं? पानी तो आ गया हम लोग का, रोड भी दिए, बहुत दिए हैं, आवास भी दिए हैं। क्या क्या मिला है? इंदिरा आवास भी दिए हैं मोदी जी सबको, घर घर दिए, पानी भी दिए, रोड भी सही दिए हैं। मतलब आप वोट भाजपा को दे रहे हैं? जी। हमारे साथ पुरुष मतदाताओं से भी बातचीत करेंगे जो लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं। यहाँ पे पेलावल का यह बूथ है जहाँ पर सुबह 7 बजे से ही कतार में खड़े होकर के वोट डाल रहे हैं। ये एक तरफ पहला बूथ है, एक तरफ दूसरा बूथ है और ये पंचायत भवन है जहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मतदाता लाइन में लगे हैं, काफ़ी उत्साह है, उमंग है। उमंग और उत्साह के साथ ही लोग मतदान कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। यहाँ पे लगभग अधिकतर जो आप देख रहे हैं तस्वीर, वो युवा मतदाता हैं और युवा मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी देखी जाती है। बातचीत करेंगे मतदाताओं से कि किस तरफ वोट करने आए हैं, किस उद्देश्यों के साथ। हमको किसी उद्देश्य कोई साथ नहीं। किसी आप नोटा में वोट दे रहे हैं? जी नहीं। किसको दे रहे हैं? हम किसी को भी दे रहे हैं, अब जो मेरा मन किया उसी में देंगे। 10 साल मोदी का कार्यकाल रहा है, 70 साल तक कांग्रेस रहे, दोनों में कौन बेहतर? दोनों में दोनों बेहतर है, कांग्रेस बेहतर है। ये हमारे भाई थे, जरा इधर आएंगे, बातचीत करेंगे और भी लोगों से। भैया मतदान करने आए हैं, चचा क्या लग रहा है, कैसा व्यवस्था है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा व्यवस्था है। कहाँ जा रहा है वोट, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है? देखिए जो अच्छा नेता हो उसी को हम देंगे, अब बीजेपी अच्छा हो तो उसको देंगे, कांग्रेस अच्छा हो उसको देंगे, जिससे मर्जी। मेरा वोट, मेरा वोट है देना हमको, कांग्रेस को जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट देंगे। कांग्रेस को जाएगा वोट। मोदी सरकार कुछ नहीं दिया, 2 साल बन गया राशन कार्ड है, अभी तक राशन नहीं मिला, क्या दिया फायदा? कुछ नहीं दिया। कॉलोनी पास कांग्रेस मिला नहीं, कॉलोनी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बोला घर घर शौचालय बनाएंगे, शौचालय नहीं बना दिया, कुछ नहीं दिया। तो इस बार क्या है, मोदी सरकार वापस नहीं आएगी? नहीं आएगा, कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस वापस आएगा। चलिए हम बातचीत करेंगे महिला मतदाताओं से, एक बार उस तरफ चलेंगे कतारबद्ध तरीके से, जो काफ़ी उत्साह उमंग के साथ लाइन में लगे हैं महिला मतदाता, बातचीत करेंगे हम। आप लोग वोट डालने आए हैं, क्या लगता है किसको वोट दे रहे हैं आप लोग, कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? ये लोग नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये काफी उत्साह और उमंग का त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन एक तरफ से लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, दूसरे ओर से बोल रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आएंगी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने 10 वर्षों में बेहतर कार्य किया है, कांग्रेस के 70 सालों का कार्यों को नकारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं या वोट जो प्रतिशत तय करेंगे या मतदाता ही तय करेंगे कि किसका भाग्य के भाग्य में यह लिखा है कि सत्ता में कौन वापिस आएंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग, झारखंड।